दोस्तों, अगर आप भी IPL 2019 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, IPL 2019 के लिए बस कुछ ही महीने रह गए हैं और उससे पहले ही सभी लोग ये कह रहे हैं कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को IPL 2019 में खिलाना चाहिए। दोस्तों, अब इस पर खुद अर्जुन तेंदुलकर ने एक बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि मैं IPL 2019 नहीं खेलने वाला हूँ। इसके कई कारण हैं। मैंने नीलामी में अपना नाम नहीं दिया था क्योंकि मुझे ये लगता है कि अभी मुझे और भी सीखने की ज़रूरत है और मैं एक दो साल और सीख लूँगा, फिर IPL खेलने की सोचूंगा। क्योंकि IPL बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, तो ऐसे में मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं बिना ज़्यादा कुछ सीखे सीधा खेलने लग जाऊँ। दोस्तों, अर्जुन ने आगे ये भी कहा कि क्रिकेट में अभी भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी हैं आगे, तो ऐसे में जब मैं पूरी तरह से क्रिकेट सीख जाऊंगा तब IPL में भाग लूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी IPL खेलता हूं तो ऐसे में मेरा ही खेल खराब होगा। मुझे अभी ये लगता है कि मैं अभी इतना परफेक्ट नहीं हुआ हूं कि IPL खेलूं। दोस्तों, आखिर में अपने बयान में अर्जुन ने ये भी कहा कि अभी IPL मेरे जैसे खिलाड़ी के लिए नहीं है, अगर मैं IPL खेलूंगा तो हो सकता है कि मेरा खेल और भी बिगड़ जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मैं पूरा सीखने के बाद ही IPL में कदम रखूंगा। तो दोस्तों, अर्जुन ने तो ये कह दिया है कि जब तक वो पूरी तरह से क्रिकेट को नहीं समझ लेते तब तक वो IPL नहीं खेलेंगे। वैसे वो भी काफ़ी हद तक सही है अपनी जगह पे। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि अर्जुन का प्रदर्शन इस समय काफ़ी बढ़िया चल रहा है। एक ऑलराउंडर हैं वो, लेकिन गेंदबाजी में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर सभी को चौंका रहे हैं। अपनी गेंदबाजी से लगातार बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाने वाले अर्जुन ने एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी से दिल्ली के बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी है। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर मुंबई की तरफ से अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ अर्जुन तेंदुलकर ने 5 विकेट लेकर एक बार फिर से सनसनी मचा दी है। इस टूर्नामेंट में अर्जुन तेंदुलकर ने 98 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। दोस्तों, वैसे ये पहला मौका नहीं है जब किसी टूर्नामेंट में अर्जुन ने पंजा जड़ा हो, इससे पहले भी वो इस कमाल को कई बार दोहरा चुके हैं। दोस्तों, अर्जुन के प्रदर्शन को देखकर भारतीय पूर्व गेंदबाज अनिल कुंबले ने कहा कि भविष्य में अर्जुन टीम इंडिया के मुख्य तेज गेंदबाज के रूप में उभर कर आने वाले हैं। भारतीय टीम को आगे चलकर एक बाएं हाथ का ऑलराउंडर मिलने वाला है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। कुंबले ने आगे ये भी कहा कि अगर अर्जुन ऐसा ही कमाल करते गए तो जल्द ही वे अपनी गेंदबाजी से बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी चकमा दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो केवल गेंदबाजी ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी भी बखूबी करना जानते हैं, यानी कि हमें एक मजा हुआ ऑलराउंडर मिल जाएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ब्रेट ली का भी मानना है कि अभी से अर्जुन इतने बड़े बड़े चमत्कार करने लगे हैं तो आगे ये भी बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे। दोस्तों, अर्जुन लगातार अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते जा रहे हैं, तो ऐसे में इसकी पूरी उम्मीद है कि वो जल्द ही भारतीय टीम में भी शामिल कर लिए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अर्जुन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, क्योंकि इस समय भारतीय टीम के पास कोई खास बाएं हाथ का तेज गेंदबाज नहीं है। तो ऐसे में अगर अर्जुन और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपना ऑलराउंड प्रदर्शन से सभी को चौंकाते हैं तो जल्द ही उन्हें भारतीय टीम में मौका मिल जाएगा। दोस्तों, अर्जुन क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, तो इसीलिए भी उन्हें मौका मिल सकता है भारतीय टीम से खेलने का। वैसे अर्जुन अपने प्रदर्शन से भी टीम में जगह बना सकते हैं, क्योंकि उनकी गेंदबाजी के देखकर तो यही लगता है कि वो कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हैं। इन्होंने एक या दो बार नहीं बल्कि बहुत बार अपनी गेंदबाजी से विपक्षी टीम को धूल चटाई है। और दोस्तों, खुशी की बात तो ये है कि अर्जुन गेंदबाजी के साथ साथ बढ़िया बल्लेबाजी भी जानते हैं, तो ऐसे में भारतीय टीम को एक बढ़िया ऑलराउंडर मिल जाएगा। अभी आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो अगर अर्जुन कुछ और चमत्कार करते हैं तो उन्हें भारतीय टीम में प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है, और अगर वो अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहे तो इसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि 2019 के वर्ल्ड कप में अर्जुन टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। वैसे दोस्तों, अर्जुन अभी मात्र 19 साल के हैं और काफ़ी युवा हैं,
इसीलिए इनके पास अभी काफ़ी समय है अपने खेल को और भी बेहतर बनाने का, क्योंकि ये बहुत मेहनती हैं। इसके लिए ये अपने लगन से क्रिकेट को और भी ज़्यादा समय देने और अपना खेल बेहतर से बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, वैसे अर्जुन के फेवरेट खिलाड़ी इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स हैं, क्योंकि स्टोक्स भी एक बाएं हाथ के ऑलराउंडर हैं, तो ऐसे में इन्होंने स्टोक्स से काफ़ी कुछ सीखा भी है। तो दोस्तों, अब हम आपको अर्जुन के कुछ खास कारनामों के बारे में बताते हैं, जिनको सुनकर आप भी काफ़ी खुश होंगे। पहले नंबर की बात करें तो वो ये है कि अर्जुन भारतीय टीम को भी नेट प्रैक्टिस करा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन तेंदुलकर को भविष्य के स्टार के रूप में देखा जा रहा है। उन्हें टीम इंडिया को भी कई मौक़ों पर गेंदबाजी करते देखा गया है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में भी वो विराट एंड कंपनी को गेंदबाजी करते देखे गए थे। इससे पहले अक्टूबर 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर अर्जुन ने टीम इंडिया को अभ्यास कराया था। अभी पिछले साल ICC महिला वर्ल्ड कप के दौरान भी अर्जुन भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी नेट प्रैक्टिस करवाते हुए नजर आए थे। अभी हाल ही में अर्जुन तेंदुलकर केसी महेंद्र शील्ड अंडर 19 टूर्नामेंट में विजय मर्चेंट 11 की तरफ से खेले थे और वहां उन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था। अर्जुन ने विजय मांजरेकर 11 के खिलाफ 70 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे। अपने इन 6 विकेटों की बदौलत अर्जुन एक बार फिर से सोशल मीडिया में छा गए थे। उनकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत विजय मांजरेकर 11 दूसरी पारी में केवल 216 रन ही बना पाई। अर्जुन की टीम ने चौथी पारी में काफ़ी रन बनाकर मैच जीत लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर को कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बल्लेबाजों को गेंदबाजी कराने का अनुभव भी है। इंग्लैंड में बल्लेबाजों को अभ्यास कराते समय अर्जुन के एक यॉर्कर ने जॉनी बेरिस्टो को भी चोटिल कर दिया था, तो इससे आप समझ सकते हैं कि अर्जुन कितनी घातक गेंदबाजी करते हैं। वो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय टीमों को अभ्यास कराते देखे गए हैं। अभी जनवरी 2018 में अर्जुन ने स्प्रिंट ऑफ ग्लोबल चैलेंज में भी ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाकर सभी को चौंका दिया था। दोस्तों, अर्जुन ने ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंट ऑफ ग्लोबल चैलेंज में भाग लेते हुए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर गेंद और बल्ले दोनों से ही शानदार प्रदर्शन किया था। T20 मैच में भारत के क्रिकेटर्स क्लब की ओर से बतौर ओपनर खेलते हुए अर्जुन ने अपने धुआंधार प्रदर्शन से केवल 27 गेंदों पर भी 48 रन बना डाले थे। इतना ही नहीं, अर्जुन ने गेंद से भी कमाल दिखाया था और उसमें 4 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए थे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर वसीम अकरम ने भी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को गेंदबाजी के टिप्स दिए हैं। वसीम अकरम ने अपने इंटरव्यू में बताया कि अर्जुन काफ़ी जुनूनी है अपने खेल के प्रति। अकरम ने अर्जुन को फिटनेस और कलाई की स्थिति को लेकर कुछ टिप्स दी थीं। इसके साथ ही ये भी बताया था कि दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद को अंदर कैसे लाया जाता है। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि वसीम अकरम और अर्जुन की मुलाकात 2015 में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मैच में हुई थी। अब दोस्तों, आपको बता दें कि अर्जुन का बॉलिंग स्टाइल काफ़ी हद तक पाकिस्तान के गेंदबाज वहाब रियाज से मिलता है। उनका बॉलिंग एक्शन एकदम वहाब रियाज के जैसा है। वो भी बिल्कुल वहाब रियाज की तरह भागते हैं और उन्हीं की तरह जंप लगाकर गेंद डालते हैं। तो दोस्तों, आखिर में तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर अर्जुन ऐसे ही और भी ज़्यादा अच्छे प्रदर्शन करते गए तो भारतीय टीम को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और क्योंकि अर्जुन इतना मेहनत भी कर रहे हैं, तो जल्द ही हमें उनके द्वारा और भी बेहतरी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन तेंदुलकर को IPL 2019 में खिलाना चाहिए था या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी इसे दिल से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कम से कम दोस्तों, लाइक तो कर ही देना अगर आप IPL के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं और इसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। और क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को भी आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल शेप का आइकन है उसे भी ध्यान से दबा दीजिए, इससे कि मैं जो भी नई वीडियोस डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और दोस्तों, एक और बात कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाली हैं। इसीलिए अभी हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, हंसते रहिए।
बाय बाय।